मुंगेर की होगी, जहां पर कोरोना संकट के दौरान स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ एनएचएम कर्मचारी संघ नियमितीकरण की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि लंबे समय से सभी कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग में एनएचएम के पद पर काम कर रहे हैं। सरकार ने अपने घोषणा पत्र में सभी कर्मचारियों को नियमित करने का वादा किया था, लेकिन इस संकट काल में भी कर्मचारियों की मांगों पर सरकार ने अभी तक ध्यान नहीं दिया है। पत्र में उन्होंने वादा किया था कि नियमितीकरण किया जाएगा, मगर ये 2.5 साल से कोई भी ऐसा कुछ भी एक्शन लिया नहीं गया है। तो हमारे संघ के समस्त कर्मचारी लोग ने एक निर्णय लिया कि हड़ताल किया जाए और हम अपनी मांगों को रखा जाए। वर्तमान में जो भी सरकार है, उन्होंने अपने घोषणा पत्र में हमें नियमितीकरण का वादा किया था। उन्होंने कहा था सरकार में आते ही 10 दिनों के भीतर नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। 2.5 साल हो चुके हैं उनका आए सरकार में, लेकिन अभी तक हमारे साथ हमारे स्वास्थ्य संविदा कर्मियों के साथ ऐसी कोई भी प्रक्रिया शुरू नहीं की है।